डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम सीखेंगे। जैसे कि भी कोई भी हमें सीरीज दे उसके लिए हम कैसे सिद्ध करें कि ये दोलायमान है या नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें क्वेश्चंस दिए हैं, 2/1 - 3/2 + 4/3 - 4/5/4 ... जो कहाँ तक जाएगी हमें पता नहीं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन क्या है क्वेश्चंस में वो लिखना है। सबसे पहले जो भी हमें गिवन था वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो देखिए अब इस श्रेणी में हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सी स्थिति बन सकती है n के रूप में, है ना, संख्या के रूप में कौन सी स्थिति जो n के रूप में बन सकती है। तो un इज इक्वल टू हमने क्या लिखा यहाँ पर, n प्लस वन लिखा। देखिए क्योंकि अगर हम ये n प्लस वन यानी एक में एक जोड़ेंगे तब दो आएंगे, दो में एक जोड़ेंगे तब तीन आएंगे, तीन में एक जोड़ेंगे तब चार आएंगे, चार में एक जोड़ेंगे तब पाँच आएंगे, है ना। और नीचे हमने n लिखा यानी कि एक दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार, है ना, ये स्थिति बन रही है। पर यहाँ पर क्या माइनस प्लस माइनस जो भी है ना, तो यहाँ पर देखिए एक बार तो क्या है प्लस में है, एक बार प्लस में वापस प्लस में फिर माइनस में माइनस में, यानी एकांतर क्रम में है धन और ऋण, है ना। एक बार प्लस है एक बार माइनस है फिर वापस प्लस माइनस, है ना, एकांतर क्रम में धन या ऋण है। तो अब यहाँ एकांतर क्रम में धन या ऋण है तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, एक बार यू एन माइनस वन कर देंगे। तो यहाँ से अगर हाँ देखिए यहाँ पर अगर मैं दो लिखूँ तीन लिखूँ और यहाँ पर दो लिखूँ तो दो में से गया एक, तीन लिखूँ तो तीन, तीन में से गया दो, है ना, यानी कि ये यू एन माइनस वन की स्थिति बन रही है। यानी कि सॉरी जो हम ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो श्रेणी है ना उसके अनुरूप करेंगे। तो यू एन और यू एन माइनस वन की जो भी यहाँ हम एन के रूप में जो पद लेंगे ना उनको आपस में घटा देंगे, क्या ये नेगेटिव में आता है या पॉजिटिव में आता है वो हमें पता लगाना है ना। तो सबसे पहले यू एन माइनस वन करेंगे, है ना। तो यू एन माइनस वन करेंगे तो यू एन की जगह ये हमें वैल्यूज प्राप्त है और यू एन माइनस वन की जगह हमें ये वैल्यूज प्राप्त है माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। तो इसमें से घटा देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से वज्र गुणन एलसीएम ले लो, एन स्क्वायर माइनस वन और माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, एन एन माइनस वन, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा यानी माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, है ना। तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है, नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त हो रही है, मतलब कि यू एन बड़ा होना चाहिए इससे, परंतु हमें नेगेटिव प्राप्त हो रही है। मतलब क्या है इसका, मतलब तो ये हुआ कि यू एन से ये बड़ा यू एन माइनस वन, है ना। तो इसको यानी इसलिए यू एन से बड़ा क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए यू एन के लिए जो अब हम लिमिटेशंस लगाएंगे कि यू एन के रूप में हमें जो वैल्यूज प्राप्त होती है जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अनंत लगाते हैं, जो हर क्वेश्चन में हम करते हैं, आपको मैंने बहुत क्वेश्चन कराया, प्ले लिस्ट में देख सकते हो। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हर रिलेटेड वीडियो जो मैथमेटिक्स बीएससी बीटेक सेमेस्टर के आपको वीडियोज मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यू एन की वैल्यूज हमें क्या, यू एन की वैल्यूज एन प्लस वन अपॉन एन, ये वैल्यूज है जो हमने यहाँ लिख दी, लिमिटेशन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से देखिए एन का भाग देंगे तो एन का भाग देंगे वन आ जाएगा, इधर भाग देंगे वन अपॉन एन आ जाएगा। तो एन की वैल्यूज इन्फिनिटी, एन की जगह हमें अनंत लिखना है, तो अनंत लिखेंगे तो ये तो पूरा जीरो आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यूज जो प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी हमें, एक हो जाएगी, है ना। तो लिमिटेशन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, वन प्राप्त हुई। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमें वैल्यू जीरो के रूप में प्राप्त होती तो हम यहाँ पर अप्लाई टू क्या कर देते, लेबनीज टेस्ट कर देते। जो मैंने आपको लेबनीज टेस्ट है, म्यू टेस्ट है, जो भी अभिचारी अपचारी के लिए जो मैंने आपको और क्वेश्चंस में समझाए थे, तो आप वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। सो इनिशियली एस एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमें यहाँ श्रेणी दी थी ना तो उसको हम एक रूप में तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी हमें श्रेणी दी थी, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार माइनस हो रहा है, एकांतर क्रम में धन या ऋण थी, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको दोनों को पास में ला लेते हैं ना, इसको पास में ले लेते हैं प्लस, इसको पास में लेते हैं। तो यहाँ पर एक आप दिमाग लगाएं कि तो इस श्रेणी को हम इस रूप में भी, देखिए यहाँ पर टू एन है, टू एन अगर मैं यहाँ पर एक कर दूँ तो दो इंटू एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक कर दूँ तो दो एकम दो, दो में से एक गया एक, यानी कि दो एक दो अपॉन एक बन रहा है ना। अगर मैं यानी कि ये श्रेणी बन रही है ना, अगर मैं यहाँ पर दो अगर मैं यहाँ पर एक करूँ तो दो और एक क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है ना। तो ये तीन बन रहा है, अगर यहाँ पर एक करूँ तो दो एकम दो हो जाएगा, तो ये भी श्रेणी बन रही है। तो यानी कि इस रूप में जो ऐसा ऐसा हमें एन लेना है
कि इस श्रेणी को जो संतुष्ट कर सके, तो ये आपको दिमाग लगाना है। अगर आपका दिमाग नहीं लगे तो आपको याद रखना है, यानी कि 2n / 2n - 1 - 2n + 1/2n, बाकी तो क्या कर सकते हैं। आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि अगर आपको याद नहीं रहे या फिर आपको दिमाग नहीं लगता कौन सी अप्लाई, कौन सी चीज कहाँ पर अप्लाई होती है, तो आपको थोड़ा याद रखना है कुछ स्टेप। तो देखिए यहाँ पर 2 × 4 - 3/2, यहाँ पर 416 - 5/12 + ……, इसी प्रकार इसका भी वज्रगुणन कर देंगे, 4n² - 4n² + 1, यहाँ पर माइनस माइनस देखिए, यहाँ इसका माइनस हो जाएगा, फिर इसका माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसके नीचे हो जाएगा 4n² - 2n, इसमें से घट गया 1/2, यहाँ पर 1.2 लिख रहा हूँ, 1 × 2, यानी कि इसको आगे भी इस प्रकार के रूप में बनाना है, इसलिए यानी कि कहने का मतलब ये है तो 2 ही, क्योंकि 1 × 2 तो 2 ही होता है, तो 1/1.2 + 16 में से 15 गए पीछे बचा 1, और 12 को हम लिख सकते हैं 3.4, यानी 3 × 4 है ना, तो 3 × 4 यानी +… इसके ये से कट गया, ऊपर रह गया 1/, इसको हम लिख सकते हैं 2n - 1/2n है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/1, ये 1/2 है, देखिए 1 × 2 यानी 2 ही आएगा, 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2, क्योंकि हमें एकांतर क्रम में धन और ऋण के रूप में तो बनानी है वापस, तो 1/1 - 2 + 1/3 - 1/4 + इसी प्रकार और भी आगे होगी, तो 1/5 - 1/6 + ……, इसको भी लिख दो अलग अलग, 1/2n - 1 - 1/2n है ना। तो देखिए आगे तो लिमिटेशंस h2n = क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, क्योंकि जो n की वैल्यूज के रूप में हम लेंगे तो वहाँ पर सब n चले जाएंगे, केवल log 2 रह जाएगा। तो h2n + 1, अब देखिए h2n अलग अलग लिखा है, +h2 देखिए जो n की वैल्यूज है ना, वहाँ पर आपको जब आप n की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n + 2 यानी 2n - 1। तो देखिए यहाँ पर लिमिट लगाएंगे n→∞ h2n + 1, जो भी अब निकाल रहे हैं लिमिटेशन n→∞ h2n + लिमिट, इसके भी लिए लिमिट अलग लग जाएगी n→∞ 2n + 2/2n + 1। तो h2n का मान क्या था, देखिए h2n का log 2 प्लस इसकी वैल्यूज, अब यहाँ पर इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का पहले भाग दे दो, यहाँ 1 आ जाएगा, इधर भी दे दो तो 1 आ जाएगा, तो इधर दे दो सॉरी हाँ ये तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू लगेंगे 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा, तो यहाँ पर log 2 और log 2 + 1 के रूप में क्या है, दोलायमान है, जो क्या करती है, एक श्रेणी के रूप में दोलन करती है, जो हमें एकांतर क्रम में धन और ऋण के रूप में जो सीरीज दी थी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।